How to fix Redmi Note 5 Pro Wi-Fi and Hotspot not working problem. तो दोस्तों यदि आपके मोबाइल में Redmi Note 5 Pro पर यदि आपका Wi-Fi और Hotspot काम नहीं कर रहा है तो उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम जो है मैं आपको कम से कम यहाँ पे 5-6 सॉल्यूशन बताऊंगा जिसके मदद से आपका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बहुत ही देखिए यहाँ पे आपको एकदम ध्यान से देखिएगा, बाद में जो है आप समझ में नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा. वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए. यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर. अभी सेटिंग्स पर जाने के बाद में दोस्तों सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एकदम नीचे आके इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आपको ढूंढना है सिस्टम लॉन्चर. सिस्टम लॉन्चर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसे स्टोरेज यूसेज में जाके क्लियर डाटा में क्लिक करके इसे क्लियर कर देना है, क्लियर ऑल डाटा कर दीजिए. ये करने के बाद में दोस्तों आपको अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, उसके बाद में हॉटस्पॉट या वाईफाई कनेक्ट करके देखिए काम करता है कि नहीं. काम कर जाना चाहिए, बाई चांस यदि काम नहीं करता है तो दूसरा सेटिंग्स आपको सेटिंग्स में आके अपने मोबाइल में मोर सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फीट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेटवर्क सेटिंग रिसेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है. ये करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आप देख सकते हो ऊपर वाईफाई ब्लूटूथ मोबाइल डाटा ये सारा जो है आपका रिसेट हो जाएगा. तो कभी कभी हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह जो है उसका सेटिंग गलत होने की वजह से या फिर छेड़खानी होने की वजह से काम नहीं करता है, तो इसलिए आप नीचे रिसेट सेटिंग में क्लिक कीजिएगा और अपना पासवर्ड भर दीजिए. उसके बाद में आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है. ये ओके करने के बाद में आपका सेटिंग जो है वो रिसेट हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट आपको करना है. तो आप देख सकते हो नेटवर्क जो है रिसेट हो चुका है. ये करने के बाद में दोस्तों एक बार चेक कीजिए आपका हॉटस्पॉट वाईफाई काम करता है कि नहीं. 90% तो आपका काम कर जाना चाहिए. बाय एनी चांस यदि आपका फिर भी काम नहीं कर रहा है तब दोस्तों अबाउट फोन में जाके एक बार सिस्टम अपडेट चेक कीजिए. यदि आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट आया है तो आप सिस्टम अपडेट कर लीजिएगा. कभी कभी क्या होता है कि हमारे वाईफाई हॉटस्पॉट में अपडेट आया हुआ रहता है तो इसी वजह से ओल्डर वर्जन में जो है हॉटस्पॉट और वाईफाई सही से काम नहीं करता है, तो आपको ये अपडेट कर लेना है. ये अपडेट करने के बाद में डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.